हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग डेली विद आद्या आई एम श्योर आप इस टाइम डिनर कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो या फिर आपकी कुकर सीटी मार रहा होगा उसमें क्या पक रहा है और आपकी प्लेट में क्या सर्व हुआ है आज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना क्योंकि अभी ऐसा सीजन आ गया समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाएँ और क्या पकाएँ तो अगर आप थोड़ा बता दोगे तो मुझे हिंट मिल जाएगा नॉनवेज मत बताना बस वो घर में मेरे अलाउड नहीं है तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारा जी लल रहा न जाए वाला सामान इसलिए अपने बच्चों को दूर बैठाइए सो माई डियर यूट्यूब फैमिली अगर आपको सदर क्रॉकरी मार्केट का ई बी सी डी नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मेरा ही कमेंट पेंड होगा उसमें आपको सदर की लोकेशन और क्रॉकरी मार्केट का एक और वीडियो का लिंक साथ में अटैच मैं कर रही हूँ वो आप ज़रूर देख लेना मैंने उसका मैप समझाया है कि कैसे आप इस मार्केट में पहुँच सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये मार्केट सिर्फ सिर्फ सिर्फ, सिर्फ संडे को लगता है पटरी मार्केट है अगर आप मंडे से लेके सैटरडे को जाओगे तो यहाँ पर सारी शॉप्स होल में डील करती हैं लेकिन अगर आप रिटेलर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप संडे को सुबह नौ बजे तक यहाँ पर पहुँच जाइए नौ बजे से ले दिन में चार पाँच बजे तक ये मार्केट लगता है और इस वीडियो में आप जो क्रॉकरी मार्केट देख रहे हो वो कौन सा क्रॉकरी मार्केट है वो सदर बाज़ार का क्रॉकरी मार्केट है ठीक है सदर के पड़ोस में ही एक क्रॉकरी मार्केट और है लेकिन वो आज़ाद मार्केट का है जहाँ पर आपको सारा मेलामाइन का और चाइना ये सारा क्रॉकरी सामान मिलता है सदर की क्रॉकरी मार्केट में आपको सारा घर गृहस्थी वाला सामान मिलेगा आई होप आई एम क्लियर टू यू तो इस मार्केट में जो भी आने वाले हैं उनको मेरा यही सजेशन है कि कुछ भी खरीदने से पहले आप एक बार इस आधा किलोमीटर के दायरे में लगने वाली मार्केट का एक राउंड ले लीजिएगा जिससे आपको हर वैरायटी का और प्राइस का आइडिया लग जाए उसके बाद अपनी परचेजिंग स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ कहीं से ले लेते हैं और आगे हमें और भी अच्छी या यूनिक चीज़ दिख जाती है तो हम फिर डायलेमा में आ जाते हैं राइट सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो so, मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी फेवरेट शॉप से इन भैया के पास बहुत ही सारा यूनिक आइटम होता है हर बार और काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली होता है यहाँ पर मुझे ये न्यू लगा ये बॉयज़ के लिए है डायनासॉर पैलेस गर्ल्स भी खेल सकती हैं बेसिकली इसमें डायनासॉर की जितनी भी स्पीशीज़ रही हैं उनके सारे कैरेक्टर्स हैं रबर मटेरियल में और ये गर्ल्स के लिए है फेरी टेल पैलेस बहुत ही क्यूट है ये सारी एसेसरीज़ आपको इसमें रबर मटेरियल की देखने को मिलेंगी और ये जोमेट्री बॉक्स आप ले सकते हो इसमें डायरेक्शन इंडिकेटर भी है डबल साइडेड है नेम क्लास मेंशन कर सकते हो वन एट्टी रुपीज़ का है ये इतना बड़ा जोमेट्री बॉक्स इसमें बॉयज़ के लिए भी अलग कैरेक्टर्स वाला मिल जाएगा और एक ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है ऑलमोस्ट एक कॉपी जितना साइज है इसका टू फिफ्टी रुपीज़ का है हर प्रोडक्ट में आपको गर्ल बेबी और बॉय बेबी के लिए अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे अभी जो मेरे हाथ में ज्योमेट्री बॉक्स है ये कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री है हंड्रेड रुपीज़ में इसमें भी आपको बॉयज़ के लिए अलग कार्टून्स मिल जाएंगे और ये देखिए ये भी रबर है एज इरेज़र आप इसे यूज़ कर सकते हो पर कौन इसे घिसेगा <laughs> इतनी अच्छी है फोर्टी रुपीज़ की और ये बाकी जितनी भी आप देख रहे हो ये स्लाइम्स हैं अलग अलग शेप्स में और ये है एक पेंसिल सेट जिसके ऊपर अलग से आपको यूनिकॉर्न uh, वाला ही सारा रबर मटेरियल मिल रहा है अगेन ये बॉयज़ के लिए है इसमें आपको डायनासोर वाली इरेजर मिलेगी इंक्लूडिंग शार्पनर्स और पीछे भी आप देख रहे होंगे ये पेंसिल और ज्योमेट्री के सेट्स हैं बच्चों को गिफ्टिंग पर्पज़ से देने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है अभी जो आप ये पीछे रबर्स के पैकेट देख रहे हो ये फोर्टी रुपीज़ के हैं सो so, इनसे आप होलसेल और रिटेल दोनों में ख़रीद सकते हो मैं अभी जो भी आपको सारे प्राइस बता रही हूँ वो रिटेल के हैं ये इनके पास नेल आर्ट का पैकेट है गर्ल्स के लिए अभी जो मैंने आपको दिखाया ये फिफ्टी रुपीज़ का है और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हंड्रेड रुपीज़ का है तो ये भी अच्छा आइटम है गिफ्टिंग के लिए और ये है एक स्लाइम वाली बॉटल इसमें लाइट जलती है ये एट्टी रुपीज़ का है और बाकी भी जितनी भी आप स्लाइम्स देख रहे हो ये एट्टी रुपीज़ पर पीस आपको मिलेगा इसमें एक एग शेप का भी है ये है बॉटल शेप का पीछे एग शेप है जो आप देख रहे हो रेड और वाइट कलर का ये सभी एट्टी रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे और न्यू आइटम्स में भैया ने स्पेशली मुझे बॉक्स में से निकाल के दिखाया है ये फोर पेंसिल का सेट है इंक्लूडिंग प्लास्टिक वाला फैन जो हम बचपन में कागज़ से बनाकर उड़ाते थे अब उसका थोड़ा कमर्शलाइजेशन हो गया है तो ये एट्टी रुपीज़ का पैक मिलेगा आपको और ये भैया ने स्क्रीन में दिखाया है इस तरीके से उड़ाने के लिए मतलब क्लास में टीचर की नाक में दम करने का सारा सामान आपको क्रॉकरी मार्केट में मिल जाएगा ये देखो भाई ये गेम है आपने देखी होंगी बहुत आजकल ट्रेंडिंग है बच्चे खेलते हैं आई थिंक मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है कुछ आप टारगेटेड करते हो तो ये आपको मिल जाएंगी इसमें भी अलग अलग वेरियंट्स आपको मिलते हैं मोबाइल की शेप में है ये वीडियो गेम की शेप में था और ये देखिए ये बच्चों की प्लेट है विथ फोक एंड स्पून तो ये फाइबर मटेरियल है काफ़ी अच्छा इट्स नॉट प्लास्टिक कम्पलीटली और अभी इनके पास यही डिज़ाइन अवेलेबल है वन थर्टी रुपीज़ का है और अब जो आप देख रहे हो ये मैंने भी परचेज़ किया है आ, मैंने मेरे घर में जो बेबी है उसके लिए वन थर्टी रुपीज़ का है ये सो इसमें आपको एक यूनिकॉर्न वाला हेयर बैंड और एक गुत्त वाली चोटी मिलती है कलरफुल सी बहुत अच्छा है मैंने उसे होली पर गिफ्ट किया है ये आइटम बहुत खुश हुई वो लेकर और अब जो आप देख रहे हो ये लिस्पिटिक्स टाइप की इरेजर्स हैं जी जो ऑयल के साथ में बहुत अच्छे शेड्स हैं सारे सो ये भैया का कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आपको होल सेल या रिटेल में लेना है तो बात कर लीजिएगा और भाई लंच बॉक्स के बॉटल के ज्योमेट्री बॉक्सेस के बहुत सारे रेंज है पूरी मार्केट में यहाँ आप जो देख रहे हो पचास से साढ़े चार सौ रुपये में आपको टिफिन बॉक्स मिलेंगे अभी जो मेरे हाथ में ये सिक्सटी रुपीज़ का है कम्प्लीटली प्लास्टिक ठीक है और इनके पास आपको स्टील के भी मिलेंगे ढाई सौ से लेके साढ़े चार सौ रुपये की रेंज में अभी जैसे ये भैया दिखा रहे हैं तो इसका प्राइस इन्होंने वैसे फोर हंड्रेड बताया है साढ़े तीन सौ लग जाएगा और आप लेने वाले बनो ये ढाई सौ से तीन सौ में भी आपको दे देंगे ठीक है तो इनकी जो प्राइसिंग है वो डिपेंड करती है कि अंदर जो इसकी छोटी बॉक्स आती है वो भी स्टील की है या नहीं एयर टाइट है कि नहीं ठीक है स्टील की क्वालिटी बहुत सारी बातें उसका साइज़ क्या है तो इस हिसाब से हर उसके अलग अलग प्राइस हैं अभी जो ये मेरे हाथ में सेवेंटी रुपीज़ का है ये भी प्लास्टिक का है सारा तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं मैंने आपको बोला कि आपको पूरी मार्केट घूमना है अच्छे से पहले ठीक है उसके बाद ही परचेज़ करना स्पेशली अगर आपको स्पेशली uh, क्या रिटेल में लेना हो चाहे होलसेल में लेना हो एक बार सब कुछ देख लो क्या क्या मार्केट में नया आया है यहाँ पर ये कप स्टैंड हैं तो काफ़ी अच्छी स्टील क्वालिटी है इसकी तो ये वन एट्टी का मिलेगा आपको जो ऑरेंज वाले हैं वो भी और जो प्लेन वाले हैं वो भी वन एट्टी का है इसमें तो ये आप इनसे ले सकते हो टिचेज़ वाला रैक है ये सब कुछ क्रॉकरी मार्केट का जो सारा सामान है वो है ही सारा घर गृहस्थी वाला कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी सब कुछ मिलता है और ये देखो ये प्यूमिक स्टोन है साथ में ब्रश है फिफ्टी रुपीज़ का है ये तो ये आप बारगेनिंग भी करा लेना जब आप जाओगे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फिक्स रेट होते हैं यहाँ पर ये भैया सेल कर रहे हैं सारा बर्थडे आइटम का सामान जो आप रिटेल और होलसेल दोनों में ही ले सकते हो मेरे एक बगल में अंकल जी परचेस कर रहे थे यहाँ पे इनके हाथ में जो पैकेट है सिक्सटी रुपीज़ का है होली वाले बलून्स का अदरवाइज़ इनके पास आपको पचास 50 से ढाई सौ रुपये में जो बर्थडे से रिलेटेड थीम का सामान है वो सब कुछ मिल जाएगा और ये शॉप मैंने आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में दिखाई थी इनकी एक एक बॉटल बहुत यूनिक और बहुत ही प्यारी है है प्लास्टिक ही लेकिन उसमें भी बहुत वैरायटी है तो यहाँ पर मिलिट्री प्रिंट के ये आप देख रहे होंगे टिफेंस काफ़ी अच्छा प्रिंट है आजकल तो ये आपको सौ और दो सौ रुपये की अलग अलग रेंज में मिल जाएगा प्लास्टिक का ही मटेरियल है और ये बॉक्स एक अंकल जी ले रहे थे दो सौ बीस रुपये का है दो किलो की कैपेसिटी के साथ में इसमें आपको ढाई सौ ग्राम का आधा किलो का एक किलो का इस तरीके के अलग अलग कैपेसिटी के बॉक्सेस मिल जाएंगे ठीक है बॉटल वगैरह सब कुछ यहाँ मिलती है कंटेनर्स हैं ये शॉप के आगे जस्ट भैया अपनी शॉप लगाते हैं और इनके बगल में अंकल जी हैं जिनसे मैंने चॉपर ख़रीदा था सो so, इस बार इनके पास ये बहुत ही अच्छे फ्रिज मैट्स आए हुए हैं बारह आप ले सकते हो चार के एक लोगे तो फोर्टी रुपीज़ का लग जाएगा और ये फ्रिज ट्रेज़ हैं वन ट्वेंटी की दो आप ले सकते हो धनिया नींबू मिर्ची रखने के लिए कितना भी बड़ा फ्रिज ले लो जगह छोटी पड़ जाती है तो इट्स वेरी गुड पीछे आप ये जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ ये सब्जी रखने वाली जाली है नेट है और इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है <laughs> गुजिया वाली मशीन तो ये बारह मिल रही है छः सौ रुपये की क्योंकि ये एल्युमिनियम की बनी हुई थी ठीक है प्लास्टिक नहीं थी तो ये अंकल भी बिल्कुल इस शॉप के आगे लगाते हैं और ये पूरा बॉक्स अभी ये लेकर आए हुए थे जस्ट अपनी शॉप लगा ही रहे थे सब कुछ जो घर में आप यूज़ करते हो किचन में वो मिल जाएगा अब ये देखो कितना बढ़िया ये पंखा साफ़ करने का है और ये जैसा एल शेप बन गया है ना ये इस तरीके से बेंड भी हो जाता है तो मुझे आगे ग्रीन मार्केट जाना था इसलिए मैंने लिया नहीं बहुत अच्छा आइटम है नेक्स्ट टाइम ज़रूर लूँगी वन फिफ्टी का है वो और अभी जो आप ये देख रहे हो ये ब्लॉगिंग स्टिक की तरह है बट ये सौ रुपये के तीन मिल जाएंगे ये बेसिकली गर्म बर्तन रखने के लिए होता है तो इसके आगे हमारे एनवेल्प वाले भैया जी हैं ये भी हमेशा नए नए डिज़ाइन और यूनिक एनवेल्प लाते रहते हैं इनके पास आपको ये मिलेगा ये मैं निकाल नहीं पा रही थी इसका भैया दिखा रहे हैं ये राधा कृष्णा वाला है सिक्सटी रुपीज़ का जो एक पैकेट आएगा ना उसमें टेन एनवेलप्स होते हैं तो ये आप लगा लो इसमें पाँच छः दस का सेट है ये पूरा और ये इस तरीके का मिल जाएंगे हैंडल वाले एनवेलप का मतलब मोस्टली जो है सब में टेन एनवेलप्स होते हैं और प्राइजिंग सबकी अलग अलग है तो ये सिक्सटी रुपीज़ का पैकेट है ऑरेंज वाला ठीक है सेवेंटी का एट्टी का वन फिफ्टी रुपीज़ का भी पैकेट है जिसमें टेन होते हैं तो ऐसे अलग अलग प्राइजिंग में आपको मिलेगा ये पीच कलर का मैं दिखा रही हूँ थर्टी रुपीज़ का पैकेट है इसमें पच्चीस एनवल है तो आप जब शॉप पर विजिट करना अच्छे से चेक करके देख के ले लेना बट हाँ इनके प्रिंट्स बहुत सुंदर हैं सारे ही और अगर आपको साड़ी पाउचेस और गिफ्ट रैपिंग पेपर्स भी चाहिए तो वो भी इन भैया के पास मिल जाते हैं इसके रेट्स वगैरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया हुआ है जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा अंकल रहे थे वैष्णो देवी और मेरे प्रसाद लेके आए हैं थैंक यू सो मच जय माता दी जय माता दीद यू थैंक यू और इस प्रसाद में जितने भी अखरोट निकले हैं वो मैंने अपने दांतों से तोड़े हैं अपने दांतों की मजबूती चेक करने के लिए सारे टूट गए मेरे दांत बहुत मजबूत है यार अंकल जी के पास ना बहुत ही अच्छे ये स्टैचूज़ मिलते हैं वन फिफ्टी रुपीज़ से लेके फाइव फिफ्टी रुपीज़ की रेंज में क्वालिटी बहुत अच्छी है फीचर्स बहुत अच्छे हैं स्पेशली जितने भी आप देखोगे गणेश जी आदि योगी ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये मेरी सेकंड फेवरेट शॉप है इनके पास सारा मोस्टली यूनिकॉर्न वाला सामान मिलता है इनका भी एक एक सामान का डिटेल वीडियो मैंने उस प्रीवियस वीडियो में दिखाया था उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा अभी जो नया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्लेट्स काफ़ी ट्रेंडिंग है वन फिफ्टी में आपको ये मिल जाएगी अंदर इसमें घड़ी वाले सेल लगते हैं दो छोटे छोटे जो हमारी रेस्ट वॉच में लगते हैं और ये वन ट्वेंटी की बॉटल है ग्लास बॉटल और ये देखो भाई मैंने कितने ज़मानों बाद इस तरीके की क्यूट बॉटल देखी है कवर वाली साढ़े तीन सौ रुपये की रेंज में है ये और क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत ही ज़बरदस्त और ये मेरे साथ में कपल थे ये देखो उन्होंने ये ले लिया था और इसके साथ में डबल कैप आता है अभी इनके पास ये नए तरीके के कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस आए हुए हैं ये वन फिफ्टी रुपीज़ के हैं और काफ़ी बड़े हैं डिज़ाइनर भी हैं इसमें बॉयज़ के लिए एवेंजर हल्क वाली जो मिल जाएंगी गर्ल्स के लिए तो बारबी प्रिंसेस ये सब मिलता ही है और ये देखो फाइनली यहाँ पर स्टडी टेबल भी आ गई है क्योंकि अब बच्चों को स्टडी कर लेनी चाहिए बहुत हो गया साढ़े तीन सौ रुपये की रेंज में है ये यूनिकॉर्न वाली अभी भैया के पास सिंगल ही रखी है लेकिन आगे भी वो ले आएंगे और आगे भी अभी मैं आपको और स्टडी टेबल दिखाऊंगी यहाँ पर ये वाले जो मेट्री बॉक्सेज जो हैं ये वन ट्वेंटी रुपीज़ के हैं इसमें भी गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग प्रिंट्स डिज़ाइन मिलेंगे ये हेडफ़ोन मैंने आपको दिखाए थे साढ़े के और स्पाइडरमैन वाला टू फिफ्टी का है इनके पास स्कूल बैग्स भी मिलते हैं उस टाइम भैया डिस्प्ले कर ही रहे थे जस्ट ठीक है तो अब इन्हीं के जस्ट अपोजिट में एक और शॉप लगती है इनके पास भी सब टिफ़िन बॉटल्स सारा स्कूल का सामान रख आ, रखते हैं भैया कैस्ट्रॉल्स हैं ये बॉक्स सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ट्राइंगुलर शेप का तो ये टू ट्वेंटी रुपीज़ का है और प्लास्टिक मटेरियल है बट एयर टाइट है तो जब भी मार्केट में कुछ भी लेना भाई चेक ज़रूर कर लेना अच्छे से मैं ये नहीं कह रही कि किसी में कोई डिफॉल्ट होगा लेकिन आप सस्ता लेने आए तो हो लेकिन आपको वो रिटर्न करने दोबारा ना आना पड़े बस मैं ये चाहती हूँ तो ये वाले एक और भैया हैं इनके पास भी सारा ब्यूटिफुल सामान रहता है और यूनिक तो इनकी भी काफ़ी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाई हुई हैं डिटेल अभी जो नया है जो एड ऑन हुआ है वो मैं दिखा रही हूँ ये टू फिफ्टी रुपीज़ का है और यूनिकॉर्न वाली डायरी आपको मिलेगी वन फिफ्टी रुपीज की सीक्वेंस वाली डायरीज हैं ये रिवर्सेबल होता है इसमें सीक्वेंस सी सी तो है। ये दो सौ बीस ना सिपाही दो सौ बीस का ये डेढ़ सौ रूपये का मिल जाएगा ये भी डेढ़ सौ का डेढ़ ये डेढ़ सौ का, का, का है अच्छा अच्छा एक सौ तीस रूपये का सौ रुपये एक सौ बीस रूपये ये डेढ़ सौ का है तो ये सब चीज़ें इतने बजट फ्रेंडली प्राइजेस में आप मार्केट में ले सकते हो ये वाले भैया एवरी संडे अजंता प्लास्टिक के आगे लगाते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेशनरी का आइटम दिखा रही हूँ देखिए जो पेपर से रिलेटेड चीज़ें होती है रजिस्टर्स कॉपीज़ एक्सेट्रा डायरीज़ वग़ैरह वो आपको नई सड़क चांदनी चौक पे मिलेगी यहाँ पर आपको सारा प्लास्टिक और जो स्टेशनरी का मटेरियल होता है वो आपको मिलेगा पेन पेंसिल शार्पनर्स इरेजर्स ये सब मिलेंगे तो जैसे ये आपको मैंने दिखाई पेंसिल का बॉक्स है तो इस पर एट्टी रुपीज़ कोटेड है तो आपको टेन ट्वेंटी परसेंट एम आर पी पे छूट मिल जाती है अब मार्केट में ये देखो नए तरीके का हैंगर आया हुआ है ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है बहुत यूनिक है मुझे समझ नहीं आया इसमें करना क्या होता है तो भैया ने बताया इसमें आप अपना स्टॉल्स टांग सकते हो अपनी बेल्ट टांग सकते हो इस तरीके से जो भी आपको एक ही साइड पर हैंग करना है तो ये पूरा आपको वन ट्वेंटी रुपीज़ का मिलेगा बहुत अच्छी यूनिक चीज़ है और यहाँ पर आपको ये चमचे मिलेंगे नाइन्टी रुपीज़ के तो इसमें भी आप बारगेनिंग करा सकते हो बारगेनिंग हो जाती है क्योंकि ये सदर का पटरी मार्केट है और इनके बगल में भी यहाँ पर बहुत डिफेंस हैं बहुत ही ज़्यादा टिफेंस हैं एक और शॉप में आपको दिखा रही हूँ अभी ये भी सारे भैया ने बर्थडे आइटम रखे हुए हैं सैश मिल जाएंगे आपको थर्टी रुपीज़ के जो मिस यूनिवर्स को बनाते हैं ना मिस इंडिया मिस यूनिवर्स को उसे सैश कहते हैं तो थर्टी रुपीज़ का मिल जाएगा और ये बर्थडे कैप्स हैं ईच अलग अलग प्राइजेज़ हैं टेन रुपीज़ ट्वेंटी रुपीज़ थर्टी रुपीज़ ईच आपको मिल जाएंगी बारह लोगे तो कुछ ना कुछ प्राइस कम हो जाएगा तो ये सब बर्थडे बलून्स हैं यहाँ पर ये सिक्सटी रुपीज़ सेवेंटी रुपीज़ शाइनिंग वाले इस तरीके से आपको मिल जाएंगे ठीक है ये वाले भैया हैं और ये सेठी क्रॉकरी हाउस के जस्ट आगे अपनी शॉप लगाते हैं भैया की स्माइल बहुत अच्छी है यहाँ पर आगे बहुत सारे गॉगल्स मिल रहे हैं लेकिन प्राइस एक है फ़िफ्टी रुपीज़ तो इसमें आपको हर तरीके के गॉगल्स मिल जाएंगे ग्लेयर्स मिल जाएंगे और कॉर्नर में जो लाइन आप देख रहे हो मल्टी कलर के ये भैया ने इस बार नया ऐड किया है तो ये एट्टी रुपीज़ का है और ये भैया भी आपको इसी मार्केट में मिलेंगे सेठी क्रॉकरी के जस्ट आगे भैया शॉप लगाते हैं यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर बैग्स मिलते हैं और इन्हीं के पास में कुछ क्रॉकरी आइटम भी है बट इनका मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है आपको अच्छा लगे बार्गेनिंग करा के ले सकते हो अब मैं अंकल जी की शॉप दिखा रही हूँ जो कि सारा बेकिंग मटेरियल का सामान रखते हैं मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं मैम बेकिंग का सामान दिखाओ तो जी आपको इन्हीं के पास ये सारा बेकिंग का सामान मिलेगा आप मार्केट में विजिट करना अभी ये इनके पास में ट्रेज मिल जाएंगी आपको अलग अलग साइजेस की ठीक है अभी इनके पास जो नया है वो ये है वन फिफ्टी का जिसमें आप मफिन वगैरह बना सकते हो और बाकी सारे का रेट ना मैंने लास्ट प्रीवियसली आपको डिटेल में बताया हुआ है तो वो देख लेना ये देखो ये केक टर्नेबल है टू फिफ्टी रुपीज़ का और ये इलेवन इंचज़ है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सो इसमें भी बार्गेनिंग आप करा लेना और अब आप जो आइटम देख रहे हो इसे मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा है वो भी विलन्स के पास तो गर्मी आ रही है मैं इसमें ग्लूकॉन डी भर के पीऊंगी और पीछे भैया के पास एक बियर ग्लास रखा हुआ है ये वन एट्टी रुपीज़ में आपको मिल जाएगा और बाकी बेकरी आइटम इनके सारे मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में दिखाए हुए हैं अभी इसमें दोबारा दिखाऊंगी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना उसमें मैंने इन अंकल जी का कार्ड भी प्रोवाइड करा दिया है अभी इनके पास में ये नया आइटम है इसमें हैंड वॉश वगैरह फिल करते हैं सो इसकी प्राइसिंग मुझे भैया ने टू फिफ्टी रुपीज़ बताई है और बार्गेनिंग हो जाती है दोबारा मैं कह रही हूँ इतनी दूर आने का फ़ायदा ही नहीं होगा अगर आप रेट टू रेट कॉस्ट टू कॉस्ट लेके जाओगे तो पीछे आप ये मग्स देख रहे होंगे गोल्डन कैप वाले तो ये आपको वन सिक्सटी रुपीज़ ईच पड़ जाएगा बोन चाइना टाइप का ही मटेरियल होता है प्लास्टिक नहीं है ये राइट सो so, इसके आगे एक शॉप है जहाँ पर ये स्टडी टेबल्स मिल रही हैं फोर हंड्रेड रुपीज़ में इसमें भी वे आप बार्गेनिंग कर देंगे एक ओपन पीस आपने देख ही लिया होगा और इनके पास में सारा गेम्स का आइटम मिलता है आई रिमेंबर मैंने लॉकडाउन में एक काफ़ी मतलब बेसिक सी सांप सीडी ली थी वन एट्टी रुपीज़ की जो यहाँ पे सिक्सटी रुपीज़ की मिल रही थी और वो मैंने लॉकडाउन के टाइम अपने एरिया से वन एट्टी की ली थी खैर आप वापस तो नहीं कर सकते खेल लिया है पैसे वसूल हैं तो ये जो आप गली देख रहे हो ये एक सीधी गली है बिल्कुल क्रॉकरी मार्केट की जिसमें ये सारी शॉप्स मैं आपको दिखाती हूँ ठीक है लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड ये मार्केट लगती है इस तरीके से पटरी मार्केट सुबह आप पूरी कोशिश कीजिए नौ बजे तक यहाँ पर पहुँच जाइए स्पोर्ट्स का सारा आइटम मिलेगा और ये बिल्कुल कॉर्नर में जहाँ नंदी हट्टी का छोले भटूरे का शॉप है वेरी फेमस यहीं पर भैया ये क्लॉक्स की शॉप लगाते हैं इनके पास आपको हंड्रेड सेवेंटी रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाती है एंड इट गोज़ अप टू थाउजेंड रुपीज़ फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ ठीक है तो बारगेनिंग चलती है वो भी आप करा लेना ऐसी कोई बात नहीं है रिटेल होल दोनों में भैया दे, दे देंगे तो ये वो शॉप है जहाँ पर बिल्कुल ये क्रॉकरी मार्केट वाली रोड ख़त्म हो जाती है इसके बाद में आपको सारा होलसेल का ही शॉप्स आगे मिलेगा यहीं कॉर्नर पे आपको ये स्लीट्स मिल जाएंगी वन फिफ्टी रुपीज़ की इसमें वही घड़ी वाले जो छोटे गोल सेल होते हैं ना वो लगते हैं तो अगर आप बारह लोगे तो भैया ने बताया कि सिक्सटीन एटी में मिल जाएंगी इन्हीं के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको वॉलेट्स मिल जाएंगे एंड ये प्योर लेदर के हैं जो आपने देखे होंगे सदर बाजार में कई लोग लाइटर से उसको जला जला के दिखा रहे होते हैं तो ये वही वाला मटेरियल है बट क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड प्राइजिंग इज़ हंड्रेड रुपीज़ तो आपका मन करे उसको बर्न करे आके चेक कराने का तो वो भी भैया कर देंगे तो आपकी तसल्ली के लिए और ये गॉगल्स जो आप देख रहे हो इनके पास मिनिमम हंड्रेड और मैक्सिमम टू फिफ्टी में आपको मिल जाएंगे तो ये वो शॉप्स हैं जो बिल्कुल सदर क्रॉकरी मार्केट जो मैंने आपको दिखाई है ये रोड उसकी ख़त्म होने पर लगती है और बिल्कुल कॉर्नर में मिलेंगे अगेन एक बर्थडे डेकोरेशन वाले भैया तो यहाँ पर ये कैप्स हैं दस टोपियाँ हैं वन सिक्सटी रुपीज़ की बाकी भी आपको नॉमिनल रेंज में मिल जाएंगी ये सारा डेकोरेशन का सामान और ये कॉर्नर में जहाँ ऑटो खड़ा है ये नंद दी हट्टी छोले भटूरे का सेंटर है वेरी फेमस इन सदर क्रॉकरी मार्केट ठीक है तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है कल आपसे मुलाकात होगी इसी समय तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गॉड ब्लेस यू ऑल